हेलो दोस्तों, मैं वेदर अली। आप सभी का स्वागत है एजुकेशन थ्योरी पर। दोस्तों, आज मैं प्रोनाउन में डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ाऊंगा, तो उसको देखते हैं उसकी क्या परिभाषा होती है, क्या उदाहरण होता है। तो पहले हम देखेंगे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेत वाचक सर्वनाम, सीधे सीधे संकेत वाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी संज्ञा की ओर इशारा करते हैं उन्हें डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। हम दूसरी थोड़ा हायर परिभाषा देखेंगे बेसिक लेवल के ऊपर। वे प्रोनाउंस जो व्यक्तियों या वस्तुओं को पॉइंट आउट ठीक या डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे दिस, दैट, दिस, जो, तत, दिसे आदि। हम इसमें थोड़ा उदाहरण भी देखेंगे। जैसे दिस इज माई हाउस, इसका मतलब ये होगा दिस इज माई हाउस। इसमें ये जो है ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दिस इज माई हाउस, ठीक है, ये मेरा घर है। दूसरी है दैट इज अ मैंगो ट्री, यानी वो जो, ठीक है, इसकी तरह इशारा कर रहा है, वो आम का पेड़ है। ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, वो प्रोनाउन होता है, क्योंकि ये नाउन के बारे में बता रहा है। हम इसके आगे थोड़ा और देखेंगे। चौथा, तो तीसरा है दीज आर शर्ट्स, मतलब वो सब कमीज है, ठीक, वो है सब, ये प्लूरल है, ये सब कमीज है, यानी दीज माने है, ये सब कमीज है, प्लूरल के लिए इस्तेमाल किया गया है, यानी ये प्लूरल है। और हम चौथा देखेंगे दोज आर बर्ड्स, दोज आर बर्ड्स, वे सब चिड़िया हैं। दोस्तों, हम पांचवा सेंटेंस देखेंगे। ही इज द हाउस ओनर एंड सच एज ही हैज द राइट टू मेंटेन हर हाउस, ठीक, मेंटेन द हाउस, मतलब ये क्या कह रहा है, ही इज द हाउस ओनर, वो घर का मालिक है, एंड सच एज मालिक होने के नाते ही हैज द राइट टू मेंटेन द हाउस, घर को व्यवस्थित रखने का उसे अधिकार है। ये पांच सेंटेंस हो गया है, जिसमें जिसका मतलब हमने पहले बता दिया, उसको अलग करते हैं। जिसका मतलब एक वस्तु के लिए, नजदीक की वस्तु के लिए होता है, सिंगुलर है, और दैट का प्रयोग दूर की वस्तु के लिए होता है, जो सिंगुलर है, और दिस का प्रयोग दूर की वस्तु के लिए होता है, दिस का प्रयोग नजदीक की वस्तुओं के लिए प्लूरल के रूप में होता है, जैसे कई वस्तुएं हो, और दोस्त का प्रयोग प्लूरल के रूप में होता है, जो दूर हो, कई वस्तुएं साथ में हो, उनको प्रयोग होता है। और इसमें एक रूल है सच का, तो ही इज द हाउस ओनर एंड सच एज ही हैज द राइट टू मेंटेन द हाउस, सच एज राइट मतलब हाउस ओनर होने के नाते सच एज। हम इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ाकर देखेंगे। इनका प्रयोग मतलब दिस दैट दिस दोस का प्रयोग और सच सेम का प्रयोग, इनका प्रयोग जब नाउन के पहले होता है तो ये डिमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव कहलाते हैं। जैसे दिस दिस इज ए गिफ्ट फ्रॉम हर, ठीक, सही कर दिया जाए, गिफ्ट फ्रॉम हर, ये उसके उससे एक गिफ्ट मिला है, और इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बनाने के गिफ्ट दिस गिफ्ट यानी इस खास गिफ्ट को टू दैट फेलो, उस साथी को दे दो, ठीक।
गिफ्ट टू दैट फेलो, ये उस साथी को दे दो इस गिफ्ट को, ठीक है। यह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, हम आगे और देखेंगे। दिस इज जस्ट व्हाट ही वांट्स, दिस इज जस्ट, ये एकदम वही है व्हाट ही वांट, जो वो चाहता है, यानी यहाँ ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और हम इसमें देखें, दोज मेन वर नॉट प्रेजेंट, दोज मेन मतलब वो आदमी, वो कई आदमी ना, एक नहीं, वो कई आदमी, दोज मेन वर नॉट प्रेजेंट इन द प्लेस, उस स्थान पर वो लोग उपस्थित नहीं थे। दोज मेन यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव, क्योंकि मेन के पहले लगा हुआ है, नाउन के पहले लगा हुआ है, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इसमें इसमें और थोड़ा सा देखेंगे अभी आगे बढ़ाकर। दोस्तों अब लास्ट टर्म देखेंगे, तो द सेम है, उसके ऊपर एक है, दिस इज द सेम बुक दैट आई बॉट यस्टरडे। इसका मतलब यह है, दिस इज द सेम बुक, ये वही किताब है दैट आई बॉट यस्टरडे, ठीक है, तो जो हमने कल खरीदा था, ठीक। दिस इज द सेम बुक यानी ये नाउन के पहले लगा हुआ है, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है। द सेम वे खास रूप में आता है, दिस इज द सेम बुक दैट आई बॉट यस्टरडे, हमने ये वही किताब है जिसे हमने कल खरीदा था, ठीक। अब हम इसके आगे देखेंगे कि और थोड़ा सा रूल है, आई गिव हिम ए पेन एंड द सेम वॉज रिटर्न टू मी। इसमें देखना है, आई गेव हिम ए पेन, उसने मुझे पेन दिया था, एंड द सेम यानी उसी एक पेन के बाद फिर द सेम वॉज रिटर्न टू मी, उसने मुझे लौटा दिया था। तो इसमें जो द सेम है, एक ही पेन है, उसी के साथ द सेम नहीं लगेगा, क्योंकि इसके साथ क्या हो जाएगा, आई गिव हिम ए पेन एंड इट वॉज रिटर्न टू मी, और वो मुझे लौटा दी गई, ठीक। एक ही पेन, एक कलम, एक है, उसको ध्यान देंगे, एक कलम है तो एक ही कलम के साथ सेम लगे नहीं लगेगा, क्योंकि उसके तरीके की दूसरी होनी चाहिए, दूसरी कलम। मैंने एक कलम, जैसे हमने एक कलम खरीदी और उसी की जैसे दूसरी कलम उसने मुझे लौटा दी, या उसी के तरीके लौटा दी, तो हम उसके साथ अगर दूसरी कलम लेते हैं तब सेम लगेगा। अगर हमने एक पेन दी और वही पेन वो लौटा दे रहा है, तो उसके साथ इट लगेगा। ये इसका रूल है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और अगर नाउन को पहले प्रोनाउन लगा दिया जाता है, नाउन को पहले द सेम इस तरह से होता है सतह, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है, बहुत कम इसका इस्तेमाल होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।